रमज़ान आखिरी अय्याम में होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रंजीदा हो जाया करते थे। उसकी वजह ये है कि रमज़ान की अपनी बरकत होती हैं और उनसे कोई बंदा किसी की ज़िंदगी में जब रमज़ान आता है तो वो अपनी अगर बख्शिश नहीं करवा सकता तो समझ लेना चाहिए कि ना कोई बरकत नहीं है। तो ये जनाब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ रेट जो हैं वो अभी तक कंट्रोल नहीं हुए। उसकी वजह ये है कि अगर इस्लामी कानून नाफिज हो जाए पाकिस्तान में भी तो अफ़गानिस्तान की जो मिसाल है हमारे सामने है कि जो दुनिया का दूसरा बड़ा इज्तिमा होता है, पहला जो है वो खाना काबा में हज के दौरान और दूसरा जो है वो राइवेंड में होता है। जितने हमारे मौलाना वहाँ इकट्ठे होते हैं वो पेशाब करें तो हमारे पाकिस्तान में सलाब आ सकता है, लेकिन अगर वो वोट एक बंदे को डाल दें तो वो पूरे मुल्क को जाम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हर मौलाना ने अपनी अपनी दुकान चमकाई होती है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलेंगे तभी बात बनेगी।